जो कमाए वो घर देने का मैंने इतने महीने का बेचेगा तो वही तो सर अंदर ही आते ओके सर फाइन सही है थैंक यू सर सर वीडियो के लिए हो रहा है क्योंकि इससे पहले कभी हम ब्रिटिश कभी मुगल कभी इटालियन गवर्नमेंट के ही गुलाम थे तो प्लीज अपना जो स्वराज का जो हक है उसको आजमाइए और यहाँ पे जरूर आज उसका उपयोग कीजिए एंड जय हिंद लाइक आई सेड इससे पहले तो हमारा देश गुलामी था जहाँ पे ये सब जितने भी हमारे पॉलिटिशियन लंदन में चिल करते रहते थे और देश की जितनी दुर्दशा है जितनी गरीबी को लेकर पोल्यूशन को लेकर इकोलॉजी को लेकर रेप को लेकर जिस तरह से दुर्दशा है हमारा देश जिस स्थिति पे था जब तक कांग्रेस थी उससे बुरी स्थिति हो नहीं सकती थी सो जैसे मैंने कहा अब हमारा स्वराज और स्वधर्म का टाइम आया है सो वी शुड बी कम्प्लीटली गोइंग इन लार्ज नंबर्स एंड वोटिंग फॉर इंडिया मैं एक नागरिक होने के नाते अपने देश के लिए प्रतिबद्ध हूँ रिस्पॉन्सिबल हूँ और मेरे ज़्यादातर जो इश्यूज होते हैं वो शिक्षा पर ज़्यादा होते हैं राइट काइंड ऑफ एजुकेशन मानसिक विकास लोगों का माइंडसेट स्वच्छ हो अच्छा हो और हमारे देश का नाम विदेशों में खूब चमके एज ए पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग बाकी विकास तो अपनी गति लेता है अपनी गति से चलता है और लेकिन अगर माइंडसेट ठीक होगा दिमाग हमारा ठीक होगा देश के लिए सही प्रेम होगा तो हम विश्व में नाम कमा सकते हैं युवाओं को वोट के लिए अपील करेंगे वर लड़जता दिल मेरा देश के लिए वर धड़कता दिल मेरा देश के लिए हम वोट देने जाएंगे देश के लिए थैंक यू सबको जाना